प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया जाएगा। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक यह पखवाड़ा चलेगा, जिसमें निकायों के सभी वार्ड में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निराकृत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है। नगरीय एवं प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि जन समस्या निवारण पखवाड़ा से जनता को सीधे इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ ही जनता अपनी समस्या को लेकर सीधे अधिकारियों से मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, अन्य अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और राजस्व पटवारी भी, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपने काम में वापस आएंगे। सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और नगरी निकाय में हमने पूरी तैयारी की है। हमारे जिले के कलेक्टरों से भी हमने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग करें। निकाय के अधिकारी, आयुक्त, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कलेक्टर के साथ समन्वय बनाकर सरकार के अन्य विभाग की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी अन्य विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हों। राशन कार्ड बनाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ये सब वहाँ पर मौजूद रहे। एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए ये जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जनता को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है।